हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रैगल ए बी सी मेक ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर एक रफ स्केच ड्रॉ करना है ट्रैंगल ए बी सी का रफ स्केच बनाना है ट्रैंगल बनानी है जिसका नेम हमने देना है ए बी सी हाँ जी मेक ए पॉइंट पी एक पॉइंट पी ड्रॉ करना है इन इट्स इंटीरियर इसके इंटीरियर इंटीरियर मीन इसके इन साइड इन साइड में एक पॉइंट पी ड्रॉ करना है और एक पॉइंट क्यू ड्रॉ करना है एक्सटीरियर एक्सटीरियर मीन इसके आउटसाइड यानी कि ट्रेंगल ए के बाहर एक पॉइंट क्यों ड्रॉ करना है और एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इज द पॉइंट क्या पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर क्या जो पॉइंट ए होगा ट्रेंगल में तो वो इसके एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ट्रेंगल ए का तो हमने एक ट्रेंगल बनाई यहां पे रफ स्केच हमने ड्रॉ किया हां जी ये बन ट्रैंगल हम इसे नेम दे, दे देंगे ए बी सी बिकॉज इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल बनानी है हमने ए बी सी अब मेक ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर मेके पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर इंटीरियर मीन इसके अंदर इंटीरियर कौन सा पोर्शन है जो ये वाला अंदर वाला इन वाला पोर्शन है ये क्या हो गया इसका इंटीरियर ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर तो हमने कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना है पी तो हम इसे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसको नेम देंगे पी आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हो इसके इंटीरियर जो इन साइड कहीं पे भी ये पॉइंट शो कर दे सकते हो और उसके नाम दोगे आप पी का बिकॉज पी पॉइंट इसके अंदर इंटीरियर हमने शो करना है एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स इन इट्स एक्सटीरियर और एक पॉइंट क्यू आपने यहाँ पे शो करना है इसके एक्सटीरियर एक्सटीरियर मतलब ये इंटीरियर हो गया तो एक्सटीरियर होता है आउटसाइड यानी कि कहीं पे भी इससे बाहर इसके बाहर ट्रेंगल के बाहर वो कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे भी यहाँ यहाँ कहीं पे भी आप बाहर वाले पोर्शन में आउटसाइड आप कहीं पे भी एक पॉइंट ड्रॉ करके दिखा सकते हो और आप उसका नाम दोगे पॉइंट क्यू तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया और हम इसको नाम देंगे क्यू का अब क्वेश्चन का आंसर देंगे इज द पॉइंट ए इन इट्स इन एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर तो हमने ये बताना है कि जो पॉइंट ए है है पॉइंट है यहाँ पे ट्रेंगल के ऊपर एक पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर तो ये इसके एक्सटीरियर है या इसके इंटीरियर है तो ये पॉइंट जो है ये क्या है ट्रेंगल का एक वर्टेक्स है क्या है ये ट्रेंगल का वर्टेक्स हमने इंट्रोडक्शन में रीड करा था इसके बारे में कि ये तीन क्या होते हैं ट्रेंगल के वर्टेक्स होते हैं ए बी एंड सी ये थ्री वर्टेक्स है तो ये इसका क्या है वर्टेसिस है वर्टेक्स है ट्रेंगल का तो ये ना तो इसके इंटीरियर है और ना ही इसके एक्सटीरियर है तो हम कहेंगे पॉइंट ए पॉइंट एज द वर्टेक्स ऑफ द ट्रगल ए बी सी ना तो ये पॉइंट इंटीरियर है और ना ही ये एक्सटीरियर है ये क्या है इस ट्रैंगल का वर्टेक्स ना क्वेश्चन नंबर टू ए पार्ट आइडेंटिफाई थ्री ट्रैंगल्स इन द फिगर फिगर में थ्री ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है यानी कि जो फिगर गिवन है हमने यहाँ पे थ्री ट्रेंगल्स बनी है इस फिगर में तो उन तीनों ट्रैंगल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है उनके हमने यहाँ पे नेम लिखने हैं तो यहाँ पे थ्री ट्रैंगल्स आपको बता, बताएंगे कौन कौन सी है इस लाइन को छोड़ दो इस लाइन को छोड़ दो बीच में से तो आपको एक ट्रेंगल दिख रही है ए बी सी यानी कि जो ये बड़े वाली ट्रेंगल है यहाँ पे ए पॉइंट है आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखा रहे हैं तो ये कैसी ट्रेंगल बन रही है ए बी सी ए बी सी एक ट्रेंगल बन रही है ए बी सी ए ट्रेंगल बन रही है एक यहां पे बन रही है सी यानी कि ये वाली ट्रेंगल ए डी सी ए डी सी एक ये वाली इधर ट्रेंगल बन रही है एक तो ये फुल कंप्लीट ट्रेंगल हमने ले ली ए बी सी एक ट्रेंगल है एक इधर साइड वाली ट्रेंगल ले ली एडीसी और एक इधर जो ट्रेंगल बनी हुई है डी बी इधर ट्रेंगल बनी हुई है इस टाइप से ए डी ए डी बी तो ये थ्री ट्रेंगल बनी है तो हम इनका नाम देंगे जो फर्स्ट ट्रेंगल है वो है ट्रेंगल ए बी सी सेकेंड ट्रै सेकेंड बनी हुई है ट्रेंगल ए डी सी ट्रेंगल ए डी सी एंड थर्ड इज ट्रेंगल ए बी डी ट्रेंगल ए बी डी तो ये थ्री ट्रेंगल्स बनी हुई है जो हमने यहाँ पे तीनों को आइडेंटिफाई किया है बी पार्ट है राइट द नेम ऑफ सेवन एंगल सेवन एंगल्स के नेम लिखने हैं ये फिगर आपको गिवन है तो यहाँ पे इस फिगर में सेवन एंगल्स के नेम आपने बताने हैं तो हम यहाँ पे एंगल्स के नेम दे लेते हैं एक ये बी एंगल पे बी पे बनेगा एंगल नंबर वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स सिक्स एंगल हो गए यहाँ पे हर हर कॉर्नर पे हमने एक एंगल बनाया जहाँ पे टू जो लाइन सेगमेंट है मीट कर रहे हैं वहां पे एक एंगल बन गया यहाँ पे टू लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स लेकिन नेम सेवन के बताने तो ये सेवन एंगल कहाँ बनेगा यहाँ पे क्योंकि ये जो कम्प्लीट है कम्पलीट ए पॉइंट पे ये इधर वाली साइड बन रहा है फाइव एंगल और ये सिक्स एंगल इधर बन रहा है लेकिन कम्प्लीट इन टू लाइन्स के बीच में भी एक पूरा एंगल बन रहा है तो हम इसका नाम देंगे इसको सेवन तो ये सेवन एंगल बन रही हैं इनके नेम हम बताएंगे फर्स्ट एंगल होगा ए बी डी एंगल ए बी डी ये बी एंगल लिखा है बी बीच में होना चाहिए जिस भी एंगल को हम ड्रॉ कर रहे हैं जिस भी एंगल को हम शो कर रहे हैं तो वो कहाँ होना चाहिए बीच में यहां पे ए बी डी ए कहां से लिया हमने यहां और बी और डी इस टाइप से लिखेंगे अब हमने लिखना एंगल टू एंगल टू को लिखेंगे एंगल टू को कैसे लिखेंगे डी पे बना हुआ है इसे इधर है बी और ऊपर यहां पे ए पॉइंट है तो हम लिखेंगे इसे ए डी बी एंगल ए डी बी अब हम थ्री लिखेंगे जो एंगल थ्री बना हुआ है एंगल थ्री किन के बीच में बना है इस ये वाला लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट इन टू लाइन सेगमेंट के बीच में बना है तो यहां से शुरू करेंगे सी डी ए एंगल सी डी ए डी पे बना हुआ है तो डी बीच में आ रहा है और सी डी ए टू लाइन सेगमेंट यानी कि इनको ज्वाइन करके बन रहा है तो हम इन पॉइंट्स को लेंगे साइड में अब हम देखेंगे नेक्स्ट फोर एंगल फोर बन रहा है सी पे तो ये लाइन सेगमेंट एंड ये लाइन सेगमेंट तो हम इसे कहेंगे डी सी इसे लिखेंगे एंगल बी सी ए ये भी लिख सकते हैं बी सी ए हाँ जिसके बाद हम लिखेंगे एंगल आ, फोर हमने लिख दिया अब हम लिखेंगे एंगल फाइव एंगल फाइव यहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है तो ये इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में बन रहा है तो कौन से पॉइंट हम उठाएंगे ऐसे से सी ए डी तो एंगल कौन सा है ये सी ए डी यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए डी अब हम एंगल सिक्स को लिखेंगे एंगल सिक्स को कैसे लिखेंगे यहां पे बना हुआ है ये यानी कि इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में यहां से डी ए बी लिखेंगे इसे एंगल डी ए बी बी ए डी भी लिख सकते हैं ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए डी और ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए बी ए ये एंगल सिक्स को लिखा है अब हम लिखेंगे एंगल सेवन को एंगल सेवन को हमने कैसे लिखना है ये कम्प्लीट है यहाँ से लेके यहाँ तक है तो यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट इसमें यूज हो रहा है और ये वाला तो यहां से हम उठाएंगे पॉइंट सी ए बी एंगल सी ए बी ये कितने एंगल हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एंगल हो गए नाउ सी पार्ट राइट द नेम ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट सिक्स लाइन सेगमेंट के नेम बताने हैं तो इस ट्रे पे में देखेंगे हम सिक्स लाइन सेगमेंट कौन से बन रहे हैं एक बन रहा है ए से बी बी से डी सेकेंड एंड थर्ड डी से सी और सी से ए बन रहा है फोर्थ एक बनेगा ए से डी फाइव ये फाइव बन गई अब सिक्स नंबर वाला कौन सा होगा हमने इस लाइन को बनाया था इस इस लाइन में हमने एक, दो लाइन सेगमेंट बनाए थे बी से डी और डी से सी लेकिन बी से सी तक भी क्या है एक लाइन सेगमेंट है तो इस, आ, कितने हो गए सिक्स हम लिखते हैं यहां पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए बी बी डी डीसी ए से बी लाइन सेगमेंट बी से डी एक लाइन सेगमेंट हमने लिखा डी से सी एक लाइन सेगमेंट एंड सी से सी से एक लाइन सेगमेंट ए से लेके डी ये बीच में भी क्या है एक लाइन सेगमेंट है ए टू डी लाइन सेगमेंट एंड अभी कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लाइन सेगमेंट हमने लिख दिया लेकिन लिखने कितने हैं सिक्स तो सिक्स नंबर वाला कौन सा होगा हमने यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट था इसको लिया बी टू डी एंड डी टू सी यानी कि टू लाइन सेगमेंट बट यहाँ पे बी टू सी भी एक लाइन सेगमेंट है तो हम कहेंगे बी से सी ये भी तो कुल कितने हो गए सिक्स लाइन सेगमेंट है और डी पार्ट विच टू ट्रैंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन उन टू ट्रैंगल्स के हमने नाम बताने हैं टू ट्रैंगल्स जिनमें एंगल बी कॉमन है ऐसी दो ट्रेंगल के नेम बताएंगे तो एंगल बी कहाँ पे है यहाँ पे तो एक तो ये जो कंप्लीट ट्रेंगल हमने बनाई थी ये वाली इसमें भी एंगल बी आ रहा है ये जो हमने रफ ट्रेंगल बनाई थी इस कंप्लीट के लिए हमने रफ यहाँ पे ड्रॉ की थी जैसे ए बी सी जो हमारी कंप्लीट ट्रेंगल बन रही है तो वहां पे ए बी सी यहाँ पे एंगल बी कॉमन आ रहा है एंगल बी है इसमें और एक कौन सी वाली जो इधर ये ट्रेंगल बन रही है यहां से लेके इधर जो ये वाला पोर्शन जो ये वाली ट्रेंगल बन रही है इसमें इसमें भी एंगल बी आ रहा है जिसको हमने कहां पे बनाया था यहाँ पे ए डी बी ये वाली ट्रेंगल कहा बना रखी है ए डी बी यानी कि इन दोनों में कम्प्लीट ट्रेंगल में इसमें ए ट्रेंगल सी में और ट्रैंगल ए बी डी इसमें दोनों में एंगल बी कॉमन आ रहा है इस ट्रेंगल में भी बी बी एंगल आ रहा है और कंप्लीट में भी बी तो इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों के नेम लिखेंगे ट्रू ट्रैंगल्स बतानी है जिसमें एंगल बी कॉमन है तो वो ट्रेंगल है ए बी सी ए बी सी एंड Triangle A B D. Thank you.